कपालभाति क्रिया करते हुए प्रातः कक्षा में कपालभाति करते हुए कपालभाति क्रिया करते हुए ज्यादा ध्यान लग रहा है। कपालभाति क्रिया चलिए पैरों को खोलने आ गए हैं। कटी सुंदर क्रिया करेंगे। बधानी क्रिया करते हुए और पेट का जो क्षेत्र है उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुठियां खोले बंद करें, मुठियां बंद करेंगे तो अंगूठा अंदर जाएगा। आप कोई नहीं, जैसे बैठ सकते वैसे करें। हाथों को घुमाएं, एक्सरसाइजेस करते हुए योग कक्षा में विश्राम हाथ से कर लें। उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों कंधों से टच करेंगे और फिर सांस छोड़ते बाहर। एक्सरसाइज करते हुए सामने को राइट साइड में रखिए। गर्दन को पहले राइट शोल्डर पर रखिए। इधर लाइन में पता नहीं चला कैसे माइक ऑन देखो। योग कक्षा में एक्सरसाइज करते हुए राइट लेफ्ट राइट साइड में रखें, लेफ्ट में रखें। एक्सरसाइजेज करते हुए योग कक्षा में पीछे भी आप देख पाए वापस राइट लेफ्ट साइड में जाएं, वापस दाईं ओर, वापस लेफ्ट साइड में, वापस राइट बदले। वापस विश्राम। अब गर्दन को कंठ से लगाएंगे और फिर गर्दन को गोल गोल कोमलता से घुमाएं। पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट करेंगे।
ऐसा करें कोई झटका नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। चाहे आँख खोल के करें, चाहे आँख बंद करके करें, जैसे भी आपको सुविधा हो बदलें, दूसरी ओर करें, डायरेक्शन चेंज करें। विश्राम, इसके बाद में शुगर डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना लें, अंगूठा अंदर और नाभि के दाएं बाएं रखेंगे और फिर सांस खाली करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। देख लें, बाकी सभी लोग करें। गर्दन सामने की ओर, वापस सांस भरते वापस आए, फिर सांस छोड़ते नीचे जाए। वापस वापस आए, सांस भरते जाएंगे। शुगर डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन मंडूकासन। इससे हमारी पैनक्रियाज एक्टिव होती है। चलिए सांस भरते वापस आए। इसी का अगला पार्ट है, वापस विश्राम, घुटनों के अर्धचंद्र आसन करेंगे। अभी हमने कमर को आगे की तरफ झुकाया, पीछे की तरफ जाएंगे, उसको बैलेंस और फिर सांस भरते पीछे की ओर झुके। उष्टासन करते हुए, चलो क्लैपिंग करने जो अच्छे से कर पाए हम लोगों के लिए और अपने लिए। दिन लग गया, चलो ताली बजाएं बजाते हुए। अपने पैर खोल लें, चलो पैरों की एक्सरसाइज करते हुए। चलिए फिर बटरफ्लाई कर लें, आगे पीछे हिला लें, दोनों पैरों से कर लें एक्सरसाइज। बट दोस्ती नहीं, कोशिश करें एक दिन में नहीं, बटरफ्लाई करें। जो हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा व्यायाम है, बटरफ्लाई करें। गोमुखासन करते हुए योग कक्षा में, गोमुखासन बहुत अच्छा है हमारी तमाम। चक्की चलाते हुए आज चक्की चला रहे हैं और बहुत ही कमर पतली हो रही है, वेट कम हो चुका है। चलिए शुरू करें, अनुलोम विलोम, लंबा छोड़ें सांस, लंबा लें, इससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और मन को एकाग्रचित होता है हमारा मन। अनुलोम विलोम करते हुए अनुलोम विलोम,
इसे करने से हमें नींद अच्छी आती है और हमारा मन शांत होता है। तो रोज करें। उच्चारण करेंगे 5 बार, ध्वनि सभी एक साथ करें, लंबा गहरा सांस भरें। आंखें इसी प्रकार बंद करते हुए बैठे रहेंगे। पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगाएं और बिल्कुल शांत चित्त से अपने मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई बाधा, कोई समस्या का ना हम उसको याद करते हुए प्रभु की तरफ ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे हमारी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लिए हुए करें प्रणव क्रिया, ध्यान क्रिया। शांति शाम शांति ओम शांति शांति शांति। भारत योग कक्षा समाप्त हुए। जो हमारी योग कक्षा में काफी दिन बाद आया, कैसी है आपकी हेल्थ जी? देखते हैं। कोरोना में सबको बीमार कर रखा हुआ है, तो रोज करें योग, करें अपने आप को करें फिट। तो चलती हैं फिर। रोज करें योग, करें खुद के लिए करें। तो प्रातःकाल मिलते हैं फिर योग कक्षा में।